सो हाय एवरीवन दिस इज द सेकंड लेक्चर ऑन एक्सिस्टेंशियल मैंने उसमें बताया था कुछ राइटर्स मैंने आपको बताए थे पिछली वीडियो में और सारी चीजें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन की थी दैट व्हाट इज सो इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट सोरेन किरख इन डिटेल ठीक है उसके थोड़ी सी मैं टर्म्स बताऊंगा कुछ वर्क्स बताऊंगा आपको ठीक है सोरेन किरख गार्ड टू एटीन

तो इसका क्या था कि ये भगवान और इंसान के रिश्तों को थोड़ा बहुत उस चीज के बारे में ये बात करता था तो मैं थोड़ा सा इसके आपको कुछ वर्क्स बता देता हूं सबसे पहले तो मैंने पुरानी वीडियो में भी बताया था दैट ही इज नोन एज द फादर ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म एंड यू कैन से दैट फर्स्ट एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलोसफर ठीक है एग्जिस्टेंशियलिज्म फादर ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म हमेशा याद रखना इंपॉर्टेंट है ठीक है तो इसके मैं आपको कुछ वर्क्स बताता हूं सबसे पहले ईदर और इधर और ये टाइटल है वर्क का ठीक है और 1843 में ये आया है ठीक है फिर अगला इसका वर्क है फियर एंड ट्रेम्बलिंग फियर एंड ट्रेम्बलिंग ये भी 1843 में आया है ठीक है इंग्लिश में ट्रांसलेट हुए इसके वर्क्स बाद में लेकिन मैं ये वाली आपको पहले की ओरिजिनल पब्लिशिंग डेट्स बता रहा हूं जब इसने ये पब्लिश किया है डेनिश में फियर एंड ट्रेमलिंग इधर और फिर उसके बाद मैंने आपको बताया थोड़ा सा ये एग्जिस्टेंशियलिज्म का बंदा है थोड़ा एंग्जाइटी एंग्जाइट की बात तो करेगा ठीक है तो द कंसेप्ट ऑफ एंग्जाइटी दिस इज द बुक एंड इट केम इन एटीन और 1946 में ये इंग्लिश में ट्रांसलेट हुई थी ठीक है ये याद रखना है आपने द कंसेप्ट ऑफ एंग्जाइटी नेक्स्ट है हमारा क्रिश्चियन मैंने अभी आपको बताया दैट ही रिलेटेड टू गॉड भगवान की काफी बात करता था तो ये क्रिश्चियनिटी की बहुत बात करेगा ठीक है ही वॉज अ क्रिश्चियन क्या बताया था मैंने क्रिश्चियन डिस्कोर्स ठीक है क्रिश्चियन डिस्कोर्स ठीक है जी 1848 फिर नेक्स्ट इसका है प्रैक्टिस ऑफ क्रिश्चियनिटी सी एच आर आई 1850 ठीक है जी इतने वर्क्स आपने याद रख लेने इसके ठीक है प्रैक्टिस ऑफ क्रिस्निटी प्रैक्टिस इन क्रिस्टी ठीक है ऑफ नहीं है इन है प्रैक्टिस इन क्रिस्टैनिटी तो ये वर्क है इसके और ये याद रखना है ये पहला वर्क था इसका ठीक है इधर और 1843 फियर एंड एटीन फोर्टी थ्री फिंडलिंग ऑफ एंग्जाइटी क्योंकि एग्जिस्टेंशियलिज्म है एग्जिस्टेंशियल एंगस्ट की बात भी मैंने पुरानी वीडियो में बताई थी आपको वो, वो भी आपने देख लेना है उसमें मैंने आपको बताया था जब हम एंगशियस फील करते हैं जब हम बहुत नेगेटिव फील करते हैं वो होती है हमारी एग्जिस्टेंशियल एंगस्ट ठीक है तो वो एंगजाइटी जो चीज है वो कंसेप्ट ऑफ एंग्जाइटी के बारे में भी बात करेगा ठीक है फिर क्रिश्चियन डिस्कोर्स अभी मैं आ, आ, आगे जो इसकी टर्म आ रही है वो क्रिश्चियनिटी से से ही रिलेटेड रिलेटेड है है भगवान है, हमारे फेथ बिलीफ से रिलेटेड है वो मैं आपको भी समझाऊंगा इन प्रैक्टिस इन क्रिश्चियनिटी इतने से वर्क आप याद रख लो काफी है ठीक है बाकी पढ़ने के लिए तो आप जितना ज्यादा पढ़ सकते हो पढ़ो जहां से भी पढ़ सकते हो पढ़ो ठीक है अभी आप मेरी वीडियो देख रहे हो किसी और की भी देखनी हो उसकी भी देखो ठीक है गूगल पे इसके कुछ और वर्क सर्च करने उनको भी करो ठीक है जितना ज्यादा हो सके क्योंकि कुछ पता नहीं क्वेश्चन कहां से आ जाएगा ठीक है तो इसीलिए अपना टाइम पढ़ाई में दो और चलो अब हम सीधा आते हैं इसकी टर्म पे जो हम आज बात करने वाले हैं द लीप ऑफ फेथ बहुत ही फेमस टर्म है एंड द सरप्राइजिंग थिंग इज दैट ही नेवर यूज्ड दिस टर्म इसने खुद यूज नहीं ये टर्म लेकिन शायद इसके इसको जो जिस जिन लोगों ने क्रिटिसाइज किया जो क्रिटिक्स थे उन्होंने शायद ये टर्म इसको दी है अब देखो हैरान होने वाली बात है कि इसने खुद ये टर्म कभी यूज नहीं की लेकिन आज ये जाना जाता है तो सिर्फ इसी टर्म के लिए ठीक है सिर्फ तो नहीं बट बट मेनली ठीक है द लीप ऑफ फेथ अब लीप ऑफ फेथ क्या है देखो दो चीज़ें समझ लो फेथ और बिलीफ में फर्क क्या है सबसे पहले फेथ एंड बिलीफ खुद से पूछो क्योंकि आप मुझसे तो इस वक्त बात कर नहीं पाओगे फेथ और बिलीफ में फर्क क्या है क्या आपको कुछ फर्क नजर आता है स्पेलिंग का तो है ऑब्वियसली अब देखो फेथ क्या चीज है पहले बिलीफ की बात करते हैं बिलीफ एक ऐसी चीज है विच नीड्स एविडेंस दैट आई हैव अ बिलीफ दैट आई हैव अ वाटर बॉटल इन द फ्रिज ठीक है मेरा बिलीफ है क्यों क्योंकि शायद मैंने वहां पे बॉटल रखी है ठीक है तो मेरे पास एविडेंस है कि हाँ आई बिलीव दैट देर इज अ बॉटल इन द फ्रिज ठीक है आई बिलीव इन यू मैं आप पे बिलीव क्यों करता हूं क्योंकि कभी ऐसा हुआ होगा कि आपने शायद मेरा ट्रस्ट बनाकर रखा है आप पे मैंने किसी चीज के लिए विश्वास किया और आप सही उतरे उस चीज पे ठीक है तो मेरा बिलीफ है वो कि हाँ आप एक ट्रस्टवर्दी इंसान हो तो उसमें एविडेंस है मेरे पास एविडेंस है कि हाँ एक बार ऐसा हुआ था मैंने आपको अपना कोई सीक्रेट बताया था एंड यू डिडेंट शेयर दैट सीक्रेट विद एनी वन एंड आई एम अ बिलीफ ठीक है अब फेथ क्या चीज है फेथ है जहां पे कुछ नहीं बिलीफ में देखो रीजन है ठीक है लिटी है लॉजिक ठीक है रेशनैलिटी लॉजिक फैक्ट्स, ये चीज आती है आपकी बिलीफ में थोड़ा अब ये बिल्कुल अपोजिट है यहां पे ये चीजें बिल्कुल नहीं पाई जाएगी फेथ में फेथ क्या होता है ब्लाइंड फेथ भगवान में किसी नेता में ठीक है जैसे आज लोगों को भक्त बोलते हैं ठीक है तो भक्त भगवान के भी होते हैं इंसान के भी होते हैं तो वो फेथ है जो ब्लाइंड फेथ है ठीक है उसका कोई सिर पैर नहीं है उसका कोई रीजन नहीं है कोई रैशनल उसमें चीज नहीं है लॉजिक नहीं है फैक्ट्स नहीं है बिलीफ नहीं है ठीक है सिर्फ फेथ है लीप ऑफ फेथ तो ये कहता है कि अगर हमें भगवान से कनेक्ट होना है तो हमें एक जंप लेना पड़ेगा ठीक है किसका जंप फेथ का जंप जब हम वो फेथ का जंप लेंगे तभी हम भगवान तक पहुंच सकते हैं तभी हम भगवान से कनेक्ट कर पा सकते हैं कर सकते हैं ठीक है तो यही ये यह चीज इस लीप ऑफ फेथ से यही यह समझाना चाहता है कि जो फेथ होता है उसमें कोई भी रीजन कोई लॉजिक कोई कुछ नहीं होता है वो सिर्फ एक ब्लाइंड फेथ होता है जो हम किसी में रखते हैं किसी भगवान में रखते हैं ठीक है इसका मैं आपको दो तीन चीजें इसने और बात की थी इसमें इसने तीन स्टेजेस दिए हमें तीन स्टेजेस थ्री स्टेजेस ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस चलो जी उनकी बात कर लेते हैं हम ठीक है थ्री स्टेजेस वन टू थ्री किसके स्टेजेस है ह्यूमन एग्जिस्टेंस के ह्यूमन एग्जिस्टेंस ठीक है जी थ्री स्टेजेस थ्री स्टेजेस ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस ठीक है पहला है पहला है हमारा एस्थेटिक स्टेज एस्थेटिक स्टेज ठीक है दूसरा है एथिकल एथिकल स्टेज तीसरा है रिलीजियस बंदा खुद भी रिलीजियस था हाँ एक चीज और इसके बारे में दैट ही पब्लिश हिज वर्क विद्यूडोनिम्स ठीक है यूज करता था ये अपने वर्क्स में और अलग अलग स्टूडोनिम्स करता था यूज ठीक है एक सीडोनिम यूज नहीं करता था अलग अलग नाम यूज करता था और अलग अलग इंडिविजुअल्स के लिए मतलब उनको डेडिकेट करता था ये अपने तो so, थोड़ा सा इसके बारे में ये भी एक अलग बात है ठीक है तो अलग अलग इंडिविजुअल्स के लिए यह वर्ग था अलग अलग स्टूडोनिम के साथ ठीक है एस्थेटिक स्टेज ठीक है जी एस फॉर स्टेज ठीक है एस फॉर सॉरि एस फॉर स्टेज ठीक है तो एस्थेटिक स्टेज क्या है एस्थेटिक एस्थेटिक का का मीनिंग मीनिंग क्या होता का होता है है मजा जो चीज आप देखते हो और आपको आनंद आ रहा है ठीक है प्रफुल्लित हो गए आप एस्थेटिसिज्म रिलेटेड टू ब्यूटी एंड आर्ट ठीक है तो एस्थेटिक स्टेज ऑब्वियसली वो स्टेज इज व्हेन वेयर यू विल सीक प्लेजर राइट प्लेजर मजा ये आ गया आपका मजा ठीक है जी प्लेजर तो ये एक बहुत ही इमेच्योर स्टेज होती है क्योंकि इमेच्योर लोग जो होते हैं वो मजे की तरफ ज्यादा भागते हैं ठीक है नॉलेज के पीछे कम तो ये जो है प्लेजर एक ऐसी स्टेज वेन यू सीक प्लेजर दू गेट मेच्योर यू हैव टू मूव टू नेक्स्ट स्टेज एंड स्टेज विल बी एथिकल और रिलीजियस ठीक है तो अब एथिकल क्या स्टेज होगी एथिकल स्टेज विल बी ए स्टेज इन विच यू विल रन योर लाइफ ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स ठीक है जी एथिक्स जी एथिक्स के हिसाब से कि नहीं ये दिस इज अगेंस्ट माई एथिक एक बार एक मान लो मैं टीचर हूं और मुझे कोई मेरे डिपार्टमेंट का हेड बोलता है कि तुम कुछ क्वेश्चंस बता दो बच्चों को ताकि वो अच्छा स्कोर कर पाए और हमारे कॉलेज का अच्छा रैंक रहे तो आई विल से दैट नो दिस इज अगेंस्ट माय टीचिंग एथिक्स ठीक है जी रिसर्च में भी कुछ एथिक्स होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं तो लाइफ में भी कुछ ऐसे एथिक्स होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं नहीं गलत नहीं करना है किसी को झूठ नहीं बोलना है किसी को मारना नहीं है किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करनी है किसी का बुरा नहीं करना है वो सारी चीज़ें जो एथिक्स होते हैं ठीक है तो वो एथिक्स के हिसाब से जब हम लाइफ में चलते हैं तो वो एथिकल स्टेज होती है हमारी ठीक है जैसे जैसे हम छोटे होते हैं हम बच्चे होते हैं खिलौना बच्चा होता है खिलौना उसको मिल जाए उसको रिमोट वाली गाड़ी मिल जाए मैं बड़ा खुश रहता था, था कि मुझे रिमोट वाली गाड़ी मिल जाए पापा आएंगे रिमोट वाली गाड़ी लेके आएंगे हालांकि वो चार पांच दिन से ज्यादा मेरे पर टिकती नहीं थी वो टूट जाती थी तो वो एक मजे वाली मेरी एक इमेच्योर स्टेज थी उसके बाद मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ जो मेरी अभी की एज है थोड़ा सा बड़ा हुआ हूँ मैं भी बहुत बड़ा नहीं हुआ हूँ ठीक है तो ये जो मेरी आजकल एज में मैं कोशिश करता हूँ कि मैं एथिक्स के हिसाब से चलू जहां मुझे शरारत नहीं करनी है मैं नहीं करूँ ठीक है जहां है वहां मैं कर भी लेता हूं ऐसा नहीं है लेकिन ऐसा है कि थोड़ा सा मैं सोच समझ के चलता हूं फिर आती है हमारी बुढ़ापे वाली एज बुढ़ापे में देखा है आपने सारी औरतें मर्द जिंदगी भर कुछ बोला नहीं जिंदगी भर अपनी लाइफ में व्यस्त रहे हम बाल बच्चे शादी घर बार गाड़ी पैसा ठीक है और बाद में जब एक स्टेज आई हमारी रिलीजियस स्टेज कई लोगों की जल्दी भी आ जाती है ये स्टेज ठीक है तो रिलीजियस स्टेज जो है वो उसे हाईएस्ट स्टेज बताता है ये ठीक है जी हाईएस्ट स्टेज ऑफ लिविंग जो हमारी स्पिरिचुअल एक लाइफ होती है वैसे स्पिरिचुअल लाइफ ऑफ रिलीजियस लाइफ में बड़ा अंतर है पर फिर भी हम कह सकते हैं कि जो हमारी जो रिलीजियस लाइफ है और एक स्पिरिचुअल जो लाइफ होती है काइंड ऑफ दैट तो वो वाली हाईएस्ट स्टेज ऑफ लिविंग होती है जिसमें भगवान का नाम लेते हो ठीक है आप संन्यास लेते हो और एक अध्यात्म की ओर जाते हो और आप स्पिरिच स्पिरिचुअल की बात करें तो आप कोई मेडिटेशन कर रहे हो योगा कर रहे हो आप प्रकृति को पूज रहे हो ठीक है पेंथीज्म जो वर्ड्स

लॉजिक नो रीजन ठीक है जी रीजन से परे फेथ तो ये एक हिसाब से जंप मारना पड़ता है आपको फेथ का अगर भगवान तक पहुंचना है ठीक है आप बिलीव, सिर्फ बिलीफ से आप वहां नहीं पहुंच सकते क्योंकि भगवान एक ऐसी चीज है जो हमें सबूतों से नहीं मिलता है ठीक है वो एक हमारा एक फेथ होता है एक हमारा विश्वास होता है कि हाँ ठीक है हमारे मन में एक उम्मीद होती है कहीं ना कहीं कि यस देर इज गॉड ठीक है देर इज अ पावर ठीक है हु विल सेव अस हु विल गाइड अस सो ऑल दैट ठीक है जी तो ये सोरेन किरक का मैंने आपको बता दिया वर्क बता दिए इसकी और थोड़ा सा ना सेल्फ पे कहीं ऐसा हो गया कि आपको कुछ आ गया तो ये सेल्फ पे बड़ा स्ट्रेस uh, डालता मैंने पिछली वीडियो में बताया था दैट ही टॉक्स अबाउट इंडिविजुअल कि जो इंडिविजुअल है वही रिस्पॉन्सिबल है हर एक चीज के लिए जो भी वो अपनी लाइफ को बना रहा है जिस तरीके से अपने एक कुम्हार होता है वो घड़े को जिस हिसाब से शेप दे रहा है तो ओनली द इंडिविजुअल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इज लाइफ फॉर द मीनिंग दैट ही हैज क्रिएटेड इन हिज ओन लाइफ तो सेल्फ पे ये बड़ा फोकस करता है ठीक है जी वन सेल्फ ठीक है इसको ध्यान रखना लीप ऑफ फेथ आपने याद रखना एक और सब्जेक्टिविटी की भी ये बात करता है सब्जेक्टिविटी ये बोलता है सब्जेक्टिविटी इज ट्रूथ ट्रूथ इज सब्जेक्टिविटी ठीक है तो ये भी आप इसकी याद रख लेना सब्जेक्टिविटी इज ट्रूथ ट्रूथ इज सब्जेक्टिविटी ये इसने बात बोली सब्जेक्टिविटी पे ये काफी थोड़ा सा स्ट्रेस देता है ठीक है लाइफ में सब्जेक्टिविटी होनी चाहिए ऑब्जेक्टिविटी नहीं होनी चाहिए तो इसको सिर्फ इतना ही याद रख लो ठीक है कि सब्जेक्टिविटी बात की है सेल्फ पे फोकस करता है लीप ऑफ फेथ इसकी एक टर्म है भगवान काफी रिलीजियस इंसान था ये क्रिश्चियनिटी के बारे में काफ़ी बात करता है ठीक है और एक्जिस्टेंशलिज्म का बंदा है एंगजाइटी की भी बात करेगा भगवान की भी बात करेगा और ये तीन स्टेजेस इसकी याद रख लेना क्या पता का? हाँ आ जाए खुदा ना घासा चलो जी तो ठीक है इस वीडियो में सिर्फ इतना ही अब देखते हैं इस पे एक दो वीडियोस और बन जाएगी एक्जिस्टेंशियलिज्म पे वैसे तो फ्रेडरिक रिश्चय की मैं सोच रहा हूँ कि उसको क्रिटिसिज्म में कवर करूँ थोड़ा सा इसमें भी मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको हो सकता है ऐड कर लूँ पर उसमें मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊँगा वो क्रिटिसिज्म जब मैं करवाऊँगा तो उसमें करवा दूंगा ठीक है जी आज के लिए सिर्फ इतना ही मजा आया हो तो खुश रहो है ना जिंदगी इंजॉय करो अपनी छोटी सी है